तो यार आज की वीडियो में हम एक लीट कोड का और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है +1 एंड ये लीट कोड की प्रॉब्लम नंबर 66 है। तो इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा ना, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, आफ्टर दैट हम इसको सॉल्व करने की अप्रोच डिस्कस करेंगे, देन उस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे एंड देन उसको लीट कोड पर चल के कोड करेंगे। ये हमारा इस वीडियो का कुछ फ्लो रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन है। प्रॉब्लम में बोला गया है कि हमें इनपुट में एक लार्ज इंटीजर मिलेगा जो हमें एक एरे में मिलेगा। कहने का मतलब ये कि हमें एक इंटीजर की लार्ज वैल्यू मिलेगी जो एक एरे में रिप्रेजेंट होगी। मतलब लेट सपोज अगर हमें 231 इनपुट में मिलता है तो वो हमें कैसे मिलेगा, 2, 3 एंड 1 का एक हमें एरे गिवन होगा, हमें एरे में वो वैल्यूज मिलेंगी। वो इंटीजर की कोई भी लीडिंग जीरो नहीं होगी, मतलब उससे पहले मतलब इंटीजर का नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें उस इंटीजर वैल्यू में 1 को ऐड करना है और रिटर्न करना है अपने उसी एरे को। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें इनपुट में 171 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इस 171 में 1 को ऐड करना है। अगर हम मैथमेटिकली नॉर्मली 171 में अगर 1 को हम ऐड करें तो हमारा आउटपुट आ गया 172। तो हमें इस एरे को 1, 7 एंड 2 ये हमें करके रिटर्न करना है। ये हो गया हमारा इनपुट एंड ये हो गया हमारा आउटपुट। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई होगी। तो अब हम इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो हमें नंबर मान लो क्या गिवन होगा, 172, ये हमें एक नंबर गिवन है फॉर एग्जाम्पल। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम इसको ऐड कैसे करते हैं, हमें 172 गिवन है, जो ये वाली डिजिट है ये 2, हम इसमें 1 को ऐड करते हैं, हमने इसमें 1 को ऐड कर दिया, ये हमें आउटपुट दे देगा 2+1, 3 एंड ये दोनों एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे 173। ऐसे हम अपना आउटपुट को अचीव करते हैं। तो हम अपने एरे में भी यही करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इस 2 में हम 1 को ऐड कर देंगे एंड आउटपुट में हम क्या करेंगे, इस 2 को चेंज कर देंगे 1, 7 और ये बन गया 3। ये हमारा एरे बन गया, हम इस एरे को एज इट इज़ रिटर्न करवा देंगे। लेकिन इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तो मान लो यहाँ पर 172 की जगह 179 है, अगर हम मान लें यहाँ पर 179 है तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, हमें इस 9 में 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर आ गया 0 एंड कैरी होता है वो इधर शिफ्ट हो गया, ये 7 की जगह हो गया 8 एंड ये 1 एज इट इज़ रहेगा। तो हमें ये चीज़ रिटर्न करनी है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 9 है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और होगी कि लेट सपोज हमें यहाँ पर 179 की जगह मान लो हमें 999 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड करेंगे, यहाँ पर 0 आ गया एंड 1 इधर चला गया, इसमें हमने 1 को ऐड करा तो यहाँ पर भी 0 आ गया एंड 1 इधर चला गया, हमने इसमें भी 1 को ऐड करा तो यहाँ पर 0 आ गया एंड 1 इधर चला गया एंड यहाँ पर 1 आ गया। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ पर ये 1000 रिटर्न करना पड़ेगा आउटपुट में। तो हमें इन केसेस का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारी करंट डिजिट है अगर उसमें हम 1 को ऐड करें और अगर वो 9 है तो हम उस कैरी को कैसे एडजस्ट करेंगे, हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम अपना वही पुराने वाला इनपुट ले लेते हैं 179 वाला। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 0th इंडेक्स, 1st इंडेक्स एंड 2nd इंडेक्स। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लूप को 2nd इंडेक्स से चलाएंगे, मतलब n की वैल्यू अगर हमें 3 गिवन है तो हम अपने लूप को n-1 से चलाएंगे, मतलब 2 इंडेक्स से चलाएंगे हम अपने लूप को। इनिशियली क्या होगा कि हमारा आई यहाँ पर होगा, हम लूप को चलाते ही चेक करेंगे कि अगर हमारी आईथ प्लेस पे मतलब आईथ इंडेक्स पे अगर 9 पड़ा है तो सबसे पहले उसको 0 कर देंगे। तो हमने क्या करा, आईथ प्लेस पे चेक करा, इस आईथ प्लेस पे करंटली ये 9 पड़ा है, तो हमने क्या करा, इस 9 को यहाँ से हटाया एंड 0 कर दिया, हमने इस 9 को हटाया एंड इसकी जगह हमने 0 कर दिया। 0 करके हमने i को यहाँ से हटाया एंड i आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे, i माइनस माइनस होगा, हम आए फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे हम क्या चेक करेंगे, ith इंडेक्स पे पड़ा है 7, नॉट इक्वल टू 9, 7 पड़ा है, 7 9 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, अगर तो 9 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये 7 है इसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे, मतलब 7+1 कर देंगे, आंसर आ गया 8। तो हमने इस 7 को यहाँ से हटाया एंड इसकी जगह 8 कर दिया। तो
तो ये आ गया 8। चेंज करते ही हम क्या करेंगे, इस आई को और पीछे नहीं लेके जाएंगे, इस आई को हम और पीछे नहीं लेके गए, हमने यहीं से अपने एरे को रिटर्न कर दिया। तो इनपुट में हमें मिला था 179, आउटपुट में हमने दे दिया 180। बिल्कुल सही आउटपुट है, हमने 1 ऐड करके दे दिया। तो इसी अप्रोच को हम एक और अपनी प्रॉब्लम पे ट्राई कर लेते हैं। तो अब की बार हमें इनपुट में मिला है 1999, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1999 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 2000। तो हम अपनी वही अप्रोच यूज़ करते हैं, हमने आई को लास्ट इंडेक्स से चलाया, आई के इंडेक्स पे पड़ा है 9, तो हमने क्या करना था, इस 9 को यहाँ से हटा के इसकी जगह हमने कर दिया 0, 0 कर दिया एंड हम आई को पीछे ले आए। अब अगेन जब हम चेक करेंगे तो आई के इंडेक्स पे 9 पड़ा है, हमने फिर से 9 को हटाया एंड इसकी जगह हमने 0 कर दिया, 0 करके हम अपने आई को पीछे ले आए। अब अगेन आईथ इंडेक्स पे 9 पड़ा है तो हमने फिर से वही चीज़ करी, 9 को हटाया एंड उसकी जगह 0 कर दिया, हम अपने आई को फिर से पीछे ले आए। अब जब हम चेक करेंगे तो आईथ प्लेस पे 9 नहीं है, 9 नहीं है तो कोई भी वैल्यू हो हमें क्या करना है, उसके अंदर 1 ऐड कर देना है। तो हमने क्या करा, 1 + 1 कर दिया, आंसर आ गया 2। तो हमने इस 1 को हटाया, यहाँ पर 2 कर दिया और 1 को ऐड करते ही हमने क्या करना है, अपने एरे को रिटर्न कर देना है और कुछ करना ही नहीं है। और आई को हम पीछे नहीं लेके जाएंगे, पीछे कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे ही हमने किसी भी जगह पे हमने 1 ऐड करा हम उसी टाइम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ भी हमारी अप्रोच सही काम कर रही है। अब हम बात करते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें 4 × 9 गिवन है, इसका अगर हम आउटपुट देखें तो क्या होगा, इसका 1000, ये इसका आउटपुट आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगेन अपनी अप्रोच स्टार्ट करते हैं, आई यहाँ पर होगा, यहाँ पर आई के प्लेस पे 9 है, हमने 0 कर दिया एंड आई को पीछे ले आए, तो यहाँ पर हमने 0 किया और आई पीछे आ गया। यहाँ पर भी 9 है, हमने इस 9 को हटाया, यहाँ पर भी 0 कर दिया एंड आई को पीछे ले आए। यहाँ पर भी 9 है, हमने फिर से इस 9 को हटाया, यहाँ पर 0 किया एंड आई को पीछे ले आए। यहाँ पर भी 9 है, हमने क्या करा, इस 9 को हटाया, 0 किया, आई को पीछे ले आए। इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा लूप खत्म हो गया, हमारा एरे 4 × 0 बन गया। अगर तो हमारा लूप खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आते ही हमने क्या करना है, ये जो हमारा एरे है ये हमें एक वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आते ही हम अपने एरे में पुशबैक कर देंगे एक 0। लेट्स सपोज हमारे एरे का नाम है ARR, तो वेक्टर में अगर आपको पता हो तो वेक्टर में अगर हमें कोई एलिमेंट डालना है तो पुशबैक हमारे पास एक फंक्शन है, हम क्या करेंगे, ARR.pushback 0 कर दिया हमने, राइट। ये क्या करेगा, एरे के एंड में एक 0 प्लेस कर देगा, तो हमारा एरे क्या बन गया, 5 × 0, ये हमारा एरे बन गया। और हम क्या करेंगे, पुशबैक करते ही इसके नीचे क्या कर देंगे, अपने एरे की फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस क्या होती है, 0th इंडेक्स, उस पे हमने 1 डाल दिया। तो इसने क्या करा, ये जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ से हमने 0 को हटाया एंड इसकी जगह हमने 1 डाल दिया, 1 डाल दिया एंड इसको रिटर्न कर दिया। अगर आप देखो तो हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक आ गया जो हमें चाहिए था। तो अप्रोच इसकी यही रहेगी कि हम अपने लूप का यूज करके अपने एरे को लास्ट इंडेक्स से आइटरेट करेंगे एंड अगर हमें 9 मिलता है तो हम उसको 9 को हटा के 0 कर देंगे एंड आगे मूव हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें 9 के अलावा कोई भी डिजिट मिलती है हम उस डिजिट में 1 को ऐड करेंगे एंड उसी टाइम रिटर्न कर देंगे। तो इसका हम एक बार कोड लिख लेते हैं अपने बोर्ड पे, आफ्टर दैट उस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे एंड उसको लीड कोड पे चल के कोड करेंगे। हमने क्या करना था, हमने अपने एरे पे लास्ट इंडेक्स से आइटरेट करना स्टार्ट करना था। तो हमने क्या किया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू n-1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, ये लूप हमारा हमारे एरे पे आइटरेट करेगा पीछे से लेके आगे तक। और हमने क्या करना था, अब हमने चेक करना था कि जो करंट एलिमेंट है वो 9 है या नहीं। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, इफ कंडीशन से करेंगे। तो हमने क्या करा, इफ एरे ऑफ आई is equal to 9, अगर तो एरे का ith एलिमेंट 9 है तो हमने क्या देखा था कि उसमें हम 9 को हटा के 0 कर देंगे। तो हमने क्या करा कि अगर तो एरे का ith एलिमेंट 9 है तो हमने एरे के ith एलिमेंट पे 0 डाल दिया, एल्स अगर वो 9 नहीं है, 9 के अलावा कुछ भी है तो हमें क्या करना है, एरे की ith प्लेस पे जो भी एलिमेंट है उसमें +1 कर देंगे। Array of i is equal to array of i +1, मतलब 9 के अलावा
अगर वहाँ पे कोई भी डिजिट है, हम उस डिजिट में वन को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहीं से अपने एरे को रिटर्न कर देंगे। तो ऐसा कुछ हमारा कोड है। ये तो हमारा नॉर्मल केस का काम हो गया। अगर लेट सपोज मान लो जो हमने अपना लास्ट एग्जांपल देखा था जिसमें हमें 4 times 9 गिवन था, उस केस में जो हमने देखा था कि हम अपने एरे में पुशबैक कर देंगे 0 एंड एरे की फर्स्ट प्लेस को 1 बना देंगे, तो हम वो चीज़ कैसे हैंडल करेंगे। हम अपने लूप से बाहर आते ही क्या करेंगे, मान लो हमें हमारे एरे में 999 गिवन है, ये लूप हमारा क्या करेगा, तीनों 9 को 0 बना देगा एंड बाहर आ जाएगा। लेकिन हमें तो 1000 रिटर्न करना है, राइट? तो हमारे पास 000 तो बन गए। 000 के बाद हम क्या करेंगे, अपने एरे के एंड में पुशबैक हमने कर दिया 0 को, 0 को पुशबैक कर दिया। आफ्टर दैट हमने क्या करा, 0th प्लेस पे 1 डाल दिया। यही चीज़ हमने अपनी अप्रोच में देखी थी, यही चीज़ हम कोड में करेंगे, है ना। कि अगर तो हमें 999 गिवन है तो हमने क्या करा, इस लूप ने हमारे ने क्या कर दिया, इस 999 को रिप्लेस कर दिया, इसको भी 0 बना दिया, इसको भी 0 बना दिया एंड इसको भी 0 बना दिया। ये 3 हो गए। हमें रिटर्न क्या करना था, 1000। 999 में 1 ऐड करेंगे तो 1000 आएगा। तो हमने 1000 के ये जो 3 जीरो थे, ये 3 जीरो तो हमने यहाँ से अचीव कर लिए, लेकिन हमें ये 1 को ऐड करना है। तो इस 1 को हम कैसे ऐड करेंगे, हमने अपने इन 000 में एक 0 यहाँ ऐड कर दिया एंड में, एंड इस 0 को हटाया, इसकी जगह हमने 1 प्लेस कर दिया एंड देन हमने रिटर्न कर दिया। तो हमारा आउटपुट क्या बन गया, 1000 जो हमें चाहिए था। तो यही हमारी अप्रोच थी, यही हमारा कोड था। अब हम देख लेते हैं कि हमारी अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो हमारा फॉर लूप क्या कर रहा है ना, हमारे पूरे एरे पे ट्रेवर्स कर रहा है। मान लो हमें ये एरे गिवन है, तो पहले हमारा जो आई होगा वो इस 9 पे होगा, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर एंड देन यहाँ पर। तो पूरे एरे पे हमारा फॉर लूप जो है वो ट्रेवर्स कर रहा है। अगर मान लो हमारे एरे की लेंथ एन है, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई, बिग ओ ऑफ एन। ये हमारी अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो इफ़ कंडीशन है ये ओ ऑफ 1 लेगी, ये जो इंक्रीमेंट है ये भी ओ ऑफ 1 लेगा, ये भी ओ ऑफ 1 लेगा एंड ये भी ओ ऑफ 1 लेगा। ये हमारी कोड है। पूरा जो लूप है ये हमारा n टाइम्स चलेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ n। तो अब हम लीट कोड पे चलते हैं और इस कोड को सबमिट करते हैं। तो हम आए अपने लीट कोड पे, हमें एक एरे इनपुट में मिल रहा है एंड हमें एक एरे रिटर्न करना है। तो हमारी अप्रोच में स्टेप 1 क्या था, ट्रेवर्स ऑन द गिवन एरे। हम अपने एरे पे ट्रेवर्स करेंगे, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू, हमें अपने एरे पे पीछे से ट्रेवर्स करना है, मतलब लास्ट इंडेक्स से। तो लास्ट इंडेक्स कैसे निकलता है, जो हमें इनपुट में एरे गिवन है डिजिट्स डॉट साइज माइनस 1 एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तक हमारा लूप चलेगा, आई माइनस माइनस होता रहेगा हर आइट्रेशन पे। स्टेप 2 हमें क्या करना है, चेक इफ करंट एलिमेंट इज 9 और नॉट। हमें चेक करना है कि जो हमारा करंट एलिमेंट है वो 9 है या नहीं है। अगर तो 9 है तो हम उसको 0 बना देंगे। तो हमने क्या करा, इफ एरे ऑफ i, अगर करंट ith एलिमेंट इज इक्वल टू 9 है, तो हमने क्या करा, उस करंट ith एलिमेंट को 0 बना दिया। ये हमारा हो गया 9 के केस में। लेकिन अगर 9 नहीं है, एल्स कंडीशन हो गई, है ना, कि अगर 9 के अलावा कोई भी डिजिट है, अब अगर 9 के अलावा मतलब 0 से 8 तक कुछ भी है तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो एल्स के केस में हम क्या करेंगे, arr ऑफ i इज इक्वल टू arr ऑफ i प्लस 1। हमने उसमें प्लस कर दिया 1 को एंड उसी टाइम हमने रिटर्न कर दिया अपने एरे को। यहाँ पर बेसिकली एरे नहीं आएगा, हमें डिजिट्स गिवन है, यहाँ पर हर जगह डिजिट आएगा। यहाँ पर डिजिट ऑफ i, डिजिट ऑफ आई, डिजिट ऑफ आई एंड डिजिट ऑफ आई, रिटर्न भी डिजिट होगा। ये लूप हमारा पूरा चल गया। अगर हमारे पूरे एरे में हर एलिमेंट 9999 होगा, तो हमने क्या देखा था, स्टेप 3 मान लो इसको, कि हम क्या करेंगे, पुश 0 एट द डेक ऑफ द एरे। हमें अपने एरे के लास्ट में 0 इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, डिजिट्स डॉट पुश बैक 0। हमने 0 पुश कर दिया। 0 पुश करने के बाद हमने क्या देखा था, कि हम अपने एरे के पहले एलिमेंट को चेंज करके 0 की जगह 1 कर देंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, डिजिट्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। हमने ये चीज कर दी एंड फाइनल स्टेप हमारा क्या हो गया, रिटर्न द एरे। रिटर्न कर देंगे आप अपने एरे को, तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न डिजिट्स। ये हमारा कोड हो गया और ये कोड सही काम करेगा। इसको रन करते हैं।
रन के केस में हमारे तीनों टेस्ट केस सक्सेसफुली पास हो गए। अब इस कोड को फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने पे हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया, मतलब हमारी अप्रोच एंड हमारा कोड बिल्कुल ठीक है एंड सही काम कर रहा है। तो यही थी हमारी वीडियो, यही था आज का प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रॉब्लम समझ आई हो, एक्सप्लेनेशन का वे आपको इजी लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक लीड कोड की प्रॉब्लम हो जो आप चाहते हो मैं आपको इजी वे में समझाऊं, तो प्लीज़ वो प्रॉब्लम आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस प्रॉब्लम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ प्लीज़ शेयर करना। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।